दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच श्रृंखला शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है और इसके ठीक पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को घरेलू T20 श्रृंखला में हराते हुए अपने खतरनाक फॉर्म का परिचय दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए जमकर अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। और वहीं इस सीरीज के अहमियत को देखते हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एक संभावित प्लेइंग 11 जारी की है, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले मुकाबले में हमें यही प्लेइंग 11 खेलते हुए देखी जा सकती है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी के प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली T20 और एक दिवसीय श्रृंखला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत आने से पहले वेस्ट इंडीज इस समय अपनी जबरदस्त फॉर्म में है। और वहीं वेस्ट इंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 4 बॉल में 4 विकेट लेकर सनसनी मचा दी है, जिसके बाद भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है, जिसके लिए भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीरीज की अहमियत को देखते हुए अपनी एक प्लेइंग 11 जारी की है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ शिखर धवन के कंधों पर रखी है। और आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के लिए लगातार धमाकेदार शुरुआत दिलाई और एक बार फिर से टीम इंडिया के प्रशंसकों को उनसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले में भी एक बार फिर से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर उन्होंने भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को रखा है, जिन्होंने पिछले कई सालों से भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में वो शानदार शतक लगाना चाहेंगे, अपने शतकों का सूखा खत्म करना चाहेंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 की जिम्मेदारी धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर रखी है। और आपको बता दें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में बेहद ही खराब शॉट खेलकर पवेलियन वापस चले गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 85 रन बनाए थे और उनसे टीम इंडिया के सभी प्रशंसकों को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में भी ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर 5 पर टीम इंडिया के वाइस कैप्टन केएल राहुल को मौका दिया है। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा के आ जाने के बाद केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और वहीं उनके मिडिल ऑर्डर में आ जाने से भारतीय टीम का मध्यम क्रम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद ऑलराउंडर की जिम्मेदारी में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ शार्दुल ठाकुर को मौका दिया है, जिन्होंने पिछले काफी समय से टीम इंडिया के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया। और वहीं शार्दुल ठाकुर इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दोनों मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और वहीं दोस्तों, इसके बाद स्पिन विभाग की जिम्मेदारी में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ बेहतरीन चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के कंधों पर रखी है, जिन्होंने पिछले काफी समय से भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। और वहीं इसके बाद तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी उन्होंने भारतीय टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साथ ही साथ दीपक जहर के कंधों पर रखी है। और आपको बता दें कि ये सारे ही गेंदबाज भारतीय टीम के लिए पिछले काफी समय से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में भी उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन करने की उम्मीद है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की संभावित प्लेइंग 11 को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में हमें बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी काफी गहराई देखने को मिल रही है, जिससे टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।